नमस्कार दोस्तों, कैसे आप? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आपका दोस्त आपका होस्ट IIT सुनील कुमार आपके अपने YouTube चैनल PS Love Blog में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बार बार आपकी स्पेशल डिमांड पे आज हम बात कर रहे हैं कालका शिमला टू ट्रेन की और उस सफ़र की बात करेंगे। लेकिन हम सफ़र स्टार्ट कर रहे हैं प्रयागराज से, जो कि मेरा होम डिस्ट्रिक्ट है। अब हम प्रयागराज से या फिर कहें नई दिल्ली से, दोनों जगह से आपको बताएंगे कैसे आप शिमला में पहुंच सकते हैं और यूनेस्को की विश्व की जो धरोहर है उसमें इस टॉय ट्रेन में आप कैसे सफ़र कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं इस टॉय ट्रेन में। जितना खूबसूरत नज़ारा आपको देखने को मिल रहा है बहुत ही ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा खूबसूरत है, बस आपको मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ लेकिन आप खुद से सफ़र करके इसको फील कर सकते हो। और मेरे हिसाब से अगर जीवन में आप ट्रैवलिंग आपको पसंद है, घूमना टहलना पसंद है, तो आपको ज़रूर इस ट्रेन की सवारी आपको करनी चाहिए। आप चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को बस छोटा सा एक रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो ये इलाहाबाद है, यानी कि प्रयागराज, जो कि मेरा होम टाउन है। तो हम अपना सफ़र यहाँ से शुरू करके दिल्ली हम सफ़र एक्सप्रेस से पहुँच चुके हैं। इस समय हम नई दिल्ली स्टेशन पे हैं और अपनी ट्रेन का वेट कर रहे हैं अपने लगेज के साथ। लगेज है और हमारा ये प्लेटफॉर्म है नई दिल्ली का, हमारी गाड़ी आने वाली है। तो हम सफ़र के एसी थर्ड क्लास में सफ़र करते हुए हम अपनी देश की राजधानी नई दिल्ली में पहुंच चुके हैं। नई दिल्ली से प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे ये गाड़ी रुकती है, अक्सर देखा गया है 3 या 4 पे ही रुकती है। तो सबसे बढ़िया बात है कि अगर आपकी जो आगे की ट्रेवलिंग है उसको हम आसान बना देंगे। लेकिन अगर आप चाहें तो प्रयागराज से डायरेक्ट क्या कहते हैं नेताजी एक्सप्रेस, यानी कि कालका हावड़ा एक्सप्रेस पकड़ के आप पहुँच सकते हैं डायरेक्ट कालका। लेकिन अगर आप दिल्ली से आना चाहते हैं तो आप सुबह के 7:40 से शताब्दी एक्सप्रेस से आप सफ़र करके पहुंच सकते हैं, जो कि मैं अब शताब्दी एक्सप्रेस में अपना सफ़र नई दिल्ली से स्टार्ट करने वाला हूं। प्लेटफॉर्म नंबर 2 से कालका नई दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस लग चुकी है। मेरी बोगी C8 है और जिसमें मेरा सीट नंबर 72 है, विंडो साइट मैंने चूज़ किया है और मैं ट्रेन में जा रहा हूँ बैठने। तो जैसे ही ट्रेन में बैठा, पानी और साथ में चाय आ गया है। चाय में क्या है, एक जानते हैं कि कैसे मिलता है शताब्दी एक्सप्रेस में, बिस्किट है, चाय है, मैंने चाय प्रिपेयर की खुद से। और उसके बाद हमारा ब्रेकफास्ट भी आ गया जिसमें मैंने, तो आपका ब्रेकफास्ट आता है उसमें 2 चीज़ें ऑप्शन होती हैं, आप चाहे तो क्या कहते हैं वेज या नॉन वेज। नॉन वेज में आपको क्या कहते हैं ऑमलेट, ब्रेड और बटर, ये सारी चीज़ें और एक मैंगो स्लिप मिलती है। और साथ में ही अगर वेज लेते हैं तो आपको एक कटलेट और साथ में ब्रेड और वो सारी चीज़ें मिलती हैं। तो सिर्फ इसमें ब्रेकफास्ट ही मिलेगा क्योंकि जो हमारा सफ़र है वो 11:40 पर सुबह 7:40 से स्टार्ट होकर और 11:40 पर ख़त्म हो जाता। तो हमारी ट्रेन पहुँच चुकी है कालका और जिस ट्रेन से हम आगे सफ़र करेंगे, जी हाँ दोस्तों, हिमालयन क्वीन, जो कि लग चुकी है टॉय ट्रेन। देखने में बहुत ही अट्रैक्टिव है, बहुत ही सुंदर बनाया गया है कालका रेलवे स्टेशन को। तो ज़रूर आप यहाँ पे घूमने आइए, तो एक बार कालका स्टेशन पे कुछ समय जरूर बिताइए। लेकिन इतने कम समय में ये ट्रेनें पहुँचती हैं तो आपको कालका स्टेशन पे ज़्यादा घूमने का मौका नहीं मिलता है। और आगे का हम सफ़र स्टार्ट करेंगे, उससे पहले आप चाहे तो बता दूं कि आपको सफ़र कैसे करना है। आप चाहे तो जो ये टॉय ट्रेन है इसमें रिजर्वेशन कर सकते हैं या फिर जनरल का टिकट 50 रुपये का मिलता है उसको लेके आगे का सफ़र कर सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा लगेज नहीं है तो मैं तो कहूँगा कि आप जनरल के टिकट में भी आसानी से सफ़र कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, बिल्कुल वही मज़ा आता है जो कि आपको आपके रिजर्वेशन में आता है। बस फ़र्क इतना है, थोड़ा सा जनरल में अगर आप पहले पहुँच जाते हैं तो आपको सीट मिलने की संभावना बढ़ जाती है और कालका स्टेशन पे आपको रिफ्रेशमेंट की भी व्यवस्था अच्छी खासी है। अब हमारी ट्रेन चल चुकी है, जैसा कि गार्ड साहब ने हमें ऑर्डर दे दिया है चलने के लिए। तो हम धीरे धीरे कालका एक्सप्रेस से टॉय ट्रेन से हिमालयन क्वीन से आगे बढ़ रहे हैं। तो इसके साथ ही मैं कुछ हिस्ट्री भी इसकी शेयर करना चाहता हूँ दोस्तों आपके बीच में। इस ट्रेन को स्पेशल क्या बनाती है, जी हाँ, इस ट्रेन को स्पेशल बनाती है 1898 में स्टार्ट हुई है रेलवे ट्रैक, 1903 में जाके लगभग 6 सालों में हर्बर्ट सेप्टिमन हैरिंगटन के नेतृत्व में पूरी हुई। दोस्तों इसकी जो खास बात है, ये नैरो गेज बेस्ड शिवालिक की पहाड़ियों से गुजरती हुई ये ट्रेन गुजरती है और जो कि बहुत ही मतलब मज़ेदार होने वाला, जी हाँ, 103 सुरंगों से गुजरेगी और 869 पुलों के बीच में 919 घुमाव और 48 डिग्री के एंगल पे भी ट्रेन मूव करती है, घूमती है। तो बहुत ही ज़्यादा
ये अट्रैक्टिव लगती है, सुंदर सुंदर ग्रीन वादियाँ, और जब बर्फ़ पड़ जाएगी तो कितना ब्यूटीफुल लगेगा वो भी मैं आपको फ्यूचर में दिखाऊंगा। अभी हम बर्फ़ के सीज़न में नहीं हैं तो अभी हम उस चीज़ को नहीं दिखा रहे हैं। बीच बीच में आप देख रहे हैं कि लोग शूटिंग भी कर रहे हैं। तो मैं बता दूँ कि इसमें बहुत सारी मूवियों का शूटिंग हुई है, लेकिन एक फेमस गाना है आप सुने होंगे कि गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, चलना ही जिंदगी है, चलती ही जा रही है। तो वो गाना इसी ट्रेन में शूट हुआ है। आप चाहे सनम रे मूवी देखे हो, रमैया वत्सा भैया देखे हो, जब भी मेट देखे हो, ऑल इज़ वेल मूवी देखे हो, सारी मूवियों की शूटिंग लगभग इसी ट्रेन के बीच में। बहुत सारे जो पंजाबी गाने हैं वो भी यहाँ पे शूट होते रहे हैं। बहुत ही आकर्षण का केंद्र होती है ये ट्रेन, इसमें सफ़र करना, जो कि दोस्तों इस ट्रेन का जो मैक्सिमम स्पीड है वो 25 किलोमीटर प्रति घंटा है। लेकिन मुझे एक बहुत दुख के साथ करना पड़ रहा है कि जो सरकार है इस ट्रैक पे थोड़ा सा ध्यान कम दे रही है। मैं तो उम्मीद करूंगा कि अगर वीडियो किसी हायर अथॉरिटी के पास पहुँचे तो वो ज़रूर इस ट्रैक की मरम्मत का कार्य देखें, क्योंकि सुनने में आया, न्यूज़पेपर में भी मैंने पढ़ा कि कई जो ट्रैक हैं वो क्रैक कर रही हैं, कई पुल हैं जो बहुत ज़्यादा मतलब कमज़ोर हो चुके हैं, क्योंकि 100 वर्ष से ज़्यादा ये मना चुका है। और मैं नीतीश कुमार जी को, जो कि हमारे पूर्व रेल मंत्री थे, 2003 में जब ये शताब्दी वर्ष मनाया गया था इस रेलवे ट्रैक का, तो उन्होंने यूनेस्को से एक मांग किया था इस ट्रैक को विश्व की धरोहर में शामिल किया जाए दोस्तों। और उन्हीं की बदौलत क्या कहते हैं 8 जुलाई 2008 को इसको क्या कहते हैं मान्यता मिल गई, और 24 जुलाई 2008 को पूर्णतः यह विश्व के धरोहर में शामिल हो गया। तो मैं नीतीश कुमार जी को, जो कि पहले रेलवे मंत्री थे, उन्हें तहे दिल से इस चीज़ के लिए धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ। बहुत कम लोग जानते हैं इस चीज़ को, इसलिए आपके बीच बता दिया। खास बात है कि पहले इसके जो है ना दोस्तों वो भाप इंजन चलता था, जो कि अब 1955 में और 1970 में इसको बंद कर दिया गया और अब इसको डीजल इंजन चलता है। लेकिन बहुत जल्दी आपको मेरे इसी ब्लॉग पे वो स्टीम इंजन देखने को मिलेगा, जो कि हमने स्पेशल रिक्वेस्ट किया है। अच्छा, एक चीज़ और भी है दोस्तों, आपको ये बता दूं कि जो ये स्टीम इंजन है ना, इसको 60 दशक से जो पहले स्टीम इंजन चलते थे, जो कि अभी भी आज भी चलते हैं, लेकिन वो स्पेशल यूनेस्को की डिमांड पे, या कोई अगर आप बुकिंग करते हैं तो ही वो आप देख सकते हैं। उसकी बुकिंग 2 लाख के आसपास है दोस्तों उस देखने के लिए, लेकिन हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिखाएंगे। ये जो शिमला से कैथली घाट के पास का स्टेशन वो भी चलता रहता है। इस ट्रेन में बहुत बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जुड़े हुए हैं, वो सब आपको बताऊंगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा है तो आपको कुछ नहीं करना, बस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, ये इतिहास बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और जो कि क्या आपको बताएं कि जो रेलवे ट्रैक है ना दोस्तों, जब स्टार्टिंग होती है तो 656 मीटर जो समुद्र तल से गहराई है वो होती है, और जो जब पहुंचती है शिमला में तो वहाँ की ऊंचाई आपको आश्चर्य होगा 2076 मीटर, यानी करीब आप मोटा मोटी मान लीजिए 1400 मीटर ज़्यादा ऊपर, आप समझ लीजिए लगभग 1.5 किलोमीटर ऊपर हम पहुँच जाते हैं जमीन तल, समुद्र तल की ऊँचाई से, यानी बहुत ज़्यादा ही हम ऊँचाइयों पर जाते हैं। और ये ट्रैक 1.5 किलोमीटर ऊपर सफ़र करती है और मात्र एक इंजन, और पर डे ये आप मान के चलिए कि 2,000-2,500 लोग सफ़र करते हैं इस ट्रेन में, और 4 से 5 ट्रेनें चलती हैं। आप इसका नॉर्मल IRCTC से लॉगिन करके कालका से शिमला, शिमला SML और कालका से KLK to SML सर्च करके आप इस ट्रेन में बुकिंग कर सकते हैं। हाँ, ठंडी के सीज़न में क्या है कि थोड़ा सा ट्रेनों में समय में भी बदलाव होता है, ट्रेनों की संख्या घट जाती है, क्योंकि उस समय बर्फ़ पड़ जाता है, रेलवे ट्रैक थोड़े से बर्फ़ पड़ जाने की वजह से संख्या कम कर दी जाती है। और जनरली ये जो सफ़र है दोस्तों ना, कालका से शिमला का 5-4.5 घंटे का सफ़र होता है, बहुत ही ज़्यादा इंटरटेनमेंट वाला होता है और बहुत ज़्यादा फोटोजेनिक वीडियोजेनिक ये सफ़र होता है, बहुत ब्यूटीफुल लगता है। मतलब अगर आपने जीवन में कभी टॉय ट्रेन में नहीं बैठा है या इस तरह का सफ़र नहीं किया तो आपको जरूर करना चाहिए। इसमें कुछ चीज़ें थोड़ी सी मार्मिक भी हैं। जब ये रेलवे ट्रैक बड़ोक के पास पहुंचा दोस्तों, तो बड़ोक के पास बहुत ही बड़ी पहाड़ी आ गई, तो उस समय अंग्रेज़ों के लिए बड़ी मुसीबत हो गई कि इतनी बड़ी पहाड़ी को काटा कैसे जाए। तो कर्नल बड़ोक थे जिन्होंने उस ट्रैक को में मतलब उसमें सुरंग बनाने की कोशिश की, लेकिन जो सुरंग बहुत ज़्यादा लंबी थी दोस्तों, वो करीब 1143.61 मीटर की, जो कि सीधी सुरंग है, और ये बड़ों की जो 33 नंबर की सुरंग है वो इस पूरे 103 सुरंगों में सबसे लंबी है। तो जो कर्नल बड़ोक थे वो उस एक छोर को तो उन्होंने सुरंग खोदा, दूसरा छोर वो खोज नहीं पा रहे थे, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी।
तो उन पे एक रुपए का फाइन लगा दिया गया उस समय। तो कर्नल बड़ो को बहुत ही दुख हुआ क्योंकि उन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया था इस रेलवे ट्रैक को और उन्होंने सुसाइड कर लिया। फिर भी समस्या हुई कि इस तरह से कैसे हो, तो उस समय कहा जाता है कि बाबा भलखू जिनके नाम पे क्या कहते हैं यहाँ पे एक म्यूज़ियम भी बनाया गया, बहुत ही सही किया गया क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प किया अंग्रेज़ों की उस समय। और अंग्रेज़ों ने तो प्लान ही कर दिया था कि इस ट्रैक को बस वहीं तक फिनिश कर देंगे या नहीं आगे ले जाएंगे, पर बाबा भलखू को तहे दिल से, अगर वो उनके जो परिवार के लोग हैं उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनकी बदौलत, वो एक गरड़िया थे, वो भेड़ को चढ़ाया करते थे, तो बाबा भलखू को ये चीज़ें पता थी कि कैसे ट्रैक गुजरेगा। तो उन्होंने वो अंग्रेज़ों की उस समय बहुत ज़्यादा मदद की थी, तो उससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हुए थे अंग्रेज़ों ने, उनकी जॉब भी दी बाद में, तो बाबा भलखू को भी ये श्रेय अंग्रेज़ देना नहीं भूले। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंटरटेनिंग है, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सफ़र है, बहुत ही, अगर आप लाइफ में आइए तो ज़रूर शिमला विजिट कीजिए, तो इस ट्रैक का सफ़र आपको करना चाहिए। तो सारी फैक्ट आपको मैं बता दिया, नैरो गेज की सफ़र करने वाली ट्रेन, 1898 में शुरुआत, 1903 में ख़त्म। अच्छा, अंग्रेज़ों ने इसको ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला क्यों बताई, क्योंकि वो ठंडे प्रदेश से आते थे और जो भारत है वहाँ का टेम्परेचर ठीक ठाक 32 डिग्री 33 डिग्री के आसपास, ग्रीष्म थोड़ा सा हमारा यहाँ का जो टेम्परेचर होता है, हम जिस जोन में हैं कर्क रेखा के आसपास हैं, तो हमें थोड़ी सी गर्मी का अनुभव हमारे यहाँ होता है। तो इस वजह से इस पे क्या कहते हैं अंग्रेज़ों ने सुना कि हमारे यहाँ शिमला में जो हुए ना, कि आप अगर कभी शिमला का सफ़र करें तो दोस्तों जब भी आप शिमला का सफ़र करने आएँ तो आपके दिमाग में मैं एक सेटअप कर दूं कि शिमला में मौसम बहुत जल्दी बदलते रहते हैं, कभी भी यहाँ बारिश हो जाएगी, कभी भी बर्फ़ पड़ जाती है। अभी मेरी हाल फिलहाल में एक रेलवे एम्प्लॉय से बात हो रही थी, उन्होंने बताया कि जून में भी भारी बर्फ़ पड़ी थी, और ऐसी बर्फ़, उन्होंने बताया कि ऐसी बर्फबारी तो आपको नॉर्मल दिनों जबकि ठंडी के सीज़न में, जो कि स्पेशली आपका जनवरी फरवरी के सीज़न में भी देखने को नहीं मिला। तो शिमला जब भी आप सफ़र करने आए तो आप इतना पैकअप करके आएँ कि आपको यहाँ नॉर्मल डेज़ में यानी गर्मी के समय में भी 16 डिग्री टेम्परेचर का सामना करना पड़ेगा, यानी आप एसी के जो मिनिमम टेम्परेचर है उस टेम्परेचर को यहाँ पर फील करेंगे। तो और ठंडी के सीज़न में माइनस में भी टेम्परेचर चला जाता है, और एक दो महीने यहाँ पे बर्फ़ का समस्या रहती है, वो भी ऊंचे स्थानों पे, नीचे नहीं, लेकिन ठंड काफ़ी रहती है। तो शिमला का सफ़र, क्योंकि हम सब शिमला का नाम ही सुनते हैं ना, तो हमें ठंड का अनुभव होने लगता है। वाकई शिमला में हमेशा ठंड रहती है, ठंडा प्रदेश है, लेकिन कुछ समस्याएँ भी शिमला के साथ हैं। और मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि बहुत सारे सफ़र करने वालों को मैंने बीच में टोका है, और मैं खुद भी कोशिश करता हूं कि लोगों को मतलब इस चीज़ को समझाऊं, और इस वीडियो के माध्यम से भी मैं एक छोटा संदेश देना चाहता हूं। आप इस ड्यूरेशन में जब ट्रेवल करते हैं, कुछ भी खाते पीते हैं, तो प्लीज़, जैसे आपकी वेस्टेज हैं वहाँ पर डस्टबिन प्रोवाइड किया गया है रेलवे ट्रैक के, मतलब जो गाड़ी है उसके अंदर, तो उसी में सब फेंकें, क्योंकि रेलवे ट्रैक को बीच बीच में साफ़ सफाई करना पर्यावरण की दृष्टि से आसान नहीं, बीच बीच में मुहिम चलाया जाता है कुछ ट्रैक को साफ़ करने का, लेकिन हम कोशिश करें कि खुद ही हम सफाई रखें और हमें ज़रूरत न पड़े कि इस तरीके की मुहिमों के लिए। छोटा सा रिक्वेस्ट है, साफ़ सफाई करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, क्योंकि ये हमारी संपत्ति है, ठीक है। अगर बाहर से कोई आएगा देखने तो उसको ये लगेगा कि कहीं ना कहीं गंदगी है, तो उससे हम बच सकते हैं। और साथ में एक और जो सबसे बड़ी चीज़ है कि शिमला में चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हैं। रीज़न ये है कि शिमला काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पे है और यहाँ बहुत सारी चीज़ें उस हिसाब से पैदा नहीं होती, और शिमला सेब के लिए भी फेमस है, तो सेब अखरोट तो यहाँ आसानी से सस्ते भाव में मिल जाते हैं, लेकिन बाकी चीज़ें यहाँ थोड़ी महंगी हैं। तो अभी हम शिमला के स्टेशन पे पहुँच चुके हैं, अपना सफ़र यहाँ पे हम ख़त्म कर चुके हैं। तो और एक चीज़ और है, शिमला के जो ये रेलवे स्टेशन है यहाँ पे आपको डॉर्मेट्री और क्या कहते हैं रिटायरिंग विंग दोनों की सुविधा उपलब्ध है, और आप आराम से यहाँ कमरा बुक करा सकते हैं ऑनलाइन। ये शिमला का कुछ इतिहास है, वो आपको हम स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, साथ में हम इसकी नाइट व्यू भी दिखाएंगे, क्योंकि हम स्टेशन के रिटायरिंग रूम में ही रुके थे पहली बार, तो हम व्यू भी दिखाएंगे कितना ब्यूटीफुल लगता है। पास में ही यहाँ पे मॉल रोड है और क्या कहते हैं जाखू टेम्पल है, वो भी आप घूमना मत भूलिएगा। हम नाइट व्यू दिखाते हैं कितना सुंदर लग रहा है, मतलब ऐसे लग रहा है कि हम किसी दूसरी ग्रह पे हैं। वो जो ऊंचाई पे दिख रहा है वो ही जाखू टेम्पल है, हनुमान जी की बहुत प्राचीन मंदिर है। लोग बताते हैं कि इसका अलग ही महत्व है, कभी लीवा चलेंगे अपने इस ब्लॉक में। तो ये नाइट का सफ़र है, नाइट का टाइम है, और जो मैक्सिमम जो ट्रेन है अभी 6:45 में वो निकल जाती है शाम को, उसके बाद से कोई ट्रेन नहीं चलती है शाम को।
और उधर से जो आने वाली ट्रेन है लास्ट, वो हिमालयन क्वीन ही है जिससे हमने सफ़र किया। और ये यहाँ पे 5 बजे करीब पहुँच जाती है, 5:10, 5:30 बजे का टाइम है, तो इसी के ड्यूरेशन में पहुँच जाती है। अच्छा, ये जो यहाँ से ट्रेनें हैं वो कालका से और यहाँ की ट्रेनें इंटरलिंक हैं, जब वहाँ से ट्रेन आती है तभी ये ट्रेनें मूव करती हैं। तो अगर कभी आप बुकिंग करें तो आपको घबराना नहीं है, जब तक आपकी ट्रेन उस स्टेशन पर नहीं पहुँचेगी कालका से, तब तक दूसरी ट्रेन जो आपकी कालका से शिमला इस लिंक से जुड़ी है वो नहीं छूटेगी। तो बिल्कुल घबराएं नहीं, थोड़ी मोड़ी लेट हो जाती है लेकिन ऑन द ये ट्रेन हमेशा राइट टाइम ही पहुंचाती है। तो कोशिश कीजिए, इस ट्रेन का सफ़र कीजिए, एंजॉय कीजिए, लेकिन साथ में अपने छोटे से यूट्यूबर और अपने छोटा भाई ब्लॉगर को क्या कहते हैं सपोर्ट कीजिए। बस काम कुछ नहीं करना है, सब्सक्राइब कर देना है, दोस्तों तक शेयर करना है, क्योंकि हमारा जो ब्लॉग होता है ना वो हम आपको एक एंटरटेनमेंट के साथ इंफॉर्मेशन भी देते हैं, जो कि कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप सफ़र करते हैं तो ये सारी चीज़ आपकी जानकारी में होनी चाहिए, ठीक है। साथ में शिमला थोड़ा कॉस्टली है, सफ़र करिए, एंजॉय कीजिए और लाइफ का एक अपना इंडिया का पार्ट है, इसे ज़रूर ही टहलिए मैं तो कहूँगा। और हर आदमी को एक बार ज़रूर आना चाहिए शिमला, और मेरा तो ड्रीम था शिमला पहुँचने का, और वाकई मैं यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंजॉय भी किया मैंने, और जितनी तारीफ़ की जाए शिमला की कम है। तो शिमला में और भी ब्लॉग मैं लेके आता रहूँगा आपके बीच में, मैंने और भी बहुत ढेर सारे ब्लॉग डाले हैं दोस्तों, तो उसको आप ज़रूर मतलब कि सर्च कीजिए हमारे इसी यूट्यूब चैनल पे, अगर आप जुड़ जाएंगे तो आपको नए नए ब्लॉग अलग अलग जगह के देखने को मिलेंगे। तो चलिए मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के नमस्कार, जय हिंद। शिमला का सफ़र आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, ज़्यादातर दोस्तों तक शेयर कीजिए वीडियो, और साथ में अगर कोई भी कमेंट है, कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपका हर एक क्वेश्चन का जवाब दूंगा। और मेरे ब्लॉग आपको कैसे लगते हैं, उसमें क्या बदलाव करना है, आपके सजेशन की भी मुझे ज़रूरत है, तो आप प्लीज़ सजेस्ट कीजिए। और उम्मीद करता हूँ कि ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, मैं आपके विचारों पे खरा उतर आऊँगा। इसी के साथ अपने इस ब्लॉग को मैं ख़त्म करता हूँ, और आपको तहे दिल से पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय, मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।